नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। आज हम प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 3 हल करने वाले हैं। तो आपको दिया गया है साइंस स्क्वेयर 63 प्लस साइंस स्क्वेयर 27 भाग में कोस स्क्वेयर 17 प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। तो आपको दिया गया है कि यहाँ पर साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री भाग में कोस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। तो आपको ऊपर मिला है दोनों साइन, ठीक है दोस्तों, और नीचे है दोनों कोस। यानी कि आपको क्या करना है, आपको 8.3 प्रश्नावली के अंदर जो आपने फॉर्मूला लगाया था, जो साइन थीटा बराबर है कोस 90 माइनस थीटा, और जो कोस थीटा है वो है बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे प्रश्न नंबर भाग नंबर 1 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर स्क्वेयर है तो यहाँ पर भी स्क्वेयर लगेगा, ठीक है, यानी साइन स्क्वेयर थीटा बराबर होगा कोस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो साइन दिए गए हैं, तो इन दोनों साइनों में से कोई एक साइन को आपने कोस की फॉर्म में बदल लेना है, और नीचे दो कोस दिए गए हैं उसको आपको एक साइन की फॉर्म में बदल लेना है। तो मैं पहले वाले को साइन को कोस में बदल लूंगा, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर थीटा बराबर है कोस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा का मान है 63 डिग्री प्लस लास्ट वाला साइन वैसे का वैसा रहेगा दोस्तों, ठीक है। आपको दिया गया है कोस, तो कोस को ये वाला वैसे का वैसा रखूंगा प्लस इसको साइन को कोस को साइन में चेंज कर लेंगे, यानी कि साइन स्क्वेयर, यानी कि आप कोई भी कर सको दोनों में से आपकी इच्छा है, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान है 73 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब आप देखें कि यहाँ पर लिखा है कोस स्क्वेयर 90 में से 63 गए आपको मिलेगा 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 वैसे का वैसा, साइन स्क्वेयर 27 डिग्री भाग में कोस स्क्वेयर 17 प्लस यहाँ पर आपको साइन स्क्वेयर मिला है, 90 में से 73 को माइनस करेंगे तो आपको 17 डिग्री ही मिलेगा। अब आप देखें 8.4 के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है सर्वसमिका, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस सर्वसमिका याद होगी कि जो साइन स्क्वेयर थीटा है उसमें मैं कोस स्क्वेयर थीटा को ऐड करता हूं तो 1 के बराबर मिलेगा, और जो साइन स्क्वेयर थीटा है वो बराबर होगा टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1, कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा के, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखें कि यहाँ पर सर्वसमिकाएं मिल रही है, एक पहली सर्वसमिका है यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पर 1 के बराबर होगा, तो इसको मैं 1 लिखूंगा भाग में। अब थिट्टा का मान सेम है तो साइन स्क्वेयर थिट्टा प्लस कोस स्क्वेयर थिट्टा ये भी 1 के बराबर होगा, यानी आपको इसका आंसर 1 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने प्रश्न नंबर 3 का भाग नंबर 1 हल कर लिया। अब आते हैं भाग नंबर 2 की तरफ। भाग नंबर 2 आपको दिया गया है कि जो साइन 25 डिग्री है, ठीक है, कोस 65 डिग्री प्लस यहाँ पर कोस 25 साइन 65, यहाँ पर कोस 25 डिग्री है और यहाँ पर साइन 65 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको आसान तरीके से हल करेंगे दोस्तों। अब आपको एक साइन कोस और एक साइन कोस दिया गया है, यानी अगर आपने यहाँ पर साइन को चेंज किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरी तरफ कोस को चेंज करना होगा, अगर आपने यहाँ कोस को चेंज किया तो आपको दूसरी तरफ साइन को चेंज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जो भी इन दोनों में से चेंज करो उसके अलग आपको सेकंड नंबर पर चेंज करना होगा। तो यहां पर मैं साइन को चेंज करूंगा कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा का मान कितना आपका 25 डिग्री, तो कोस 65 डिग्री वैसे का वैसा प्लस, अब कोस यहां पर मैंने साइन को चेंज किया तो यहां पर मैं कोस को चेंज करूंगा, तो कोस को साइन में लिखूंगा 90 माइनस यहां पर 25 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 65 डिग्री वैसे का वैसा आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों में से मैंने अगर साइन चेंज किया कोस में तो ये कोस साइन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो आपको दिया गया है कोस 90 माइनस 25, 90 में से 25 गया 65 डिग्री और यहाँ पर आपको कोस 65 ही मिलेगा, ठीक है, प्लस साइन
90 माइनस 25, 25 कितना होगा 65 डिग्री, और यहां पर भी आपको मिल गया साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब दोनों सेम है, कोस 65 कोस 65, तो यानी कि कोस स्क्वेयर 65 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन 65 और साइन 65 यानी कि साइन स्क्वेयर 65 डिग्री। अब यहाँ पर आपको एक सर्वसमीकरण मिलेगी कि जो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होगा, एक, तो यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर होगा एक के। तो प्रश्न नंबर 3 का भाग नंबर 2 का आंसर भी आपको एक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8.4 प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सही विकल्प चुनने हैं, आपको सम दिए गए हैं, सम नंबर 4 के आपको 4 भाग दिए गए हैं और आपको ऑप्शन भी मिले हैं, तो आपको इन्हें हल करके पता लगाना है कौन सा आंसर ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से हम आज 8.4 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो आपको सर्वसमीकरण याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा कोसेकेंट और कोसेकेंट का, तो ये सर्वसमीकरण आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको ये याद है तो ये सम बहुत ही आसानी आसान तरीके से हल होंगे। तो इनका कुछ रूल है दोस्तों, वो आपने समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको सम दिखे तो आपको सर्वसमीकरणों का यूज करना है। अगर आपको पता लगा कि सम के अंदर मैं सर्वसमीकरणों का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आप सबसे पहले सर्वसमीकरण का यूज करके हल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर सर्वसमीकरण का इस्तेमाल नहीं होगा, यूज नहीं होगा, तो आप साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर ले दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है कि कोई भी सम हो जहां पर सर्वसमीकरण नहीं यूज होती, तो उसको क्या करना है, आपको साइन और कोस की, आपको कुछ भी दिया गया हो उसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर ले, उसमें बहुत ही आसान तरीके से सम निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का भाग नंबर 1। आपको दिया गया है नो सिकेंट ए माइनस नो टेन स्क्वेयर ए। तो आपको क्या करना है, आपको दिया गया सम, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो मैं यहाँ पर 9 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर जैसे ही 9 कॉमन आया तो यहाँ पर अकेला सिकेंट स्क्वेयर ए बचा, माइनस यहाँ पर 9 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, टेन स्क्वेयर ए बाहर होगा दोस्तों, सॉरी अंदर होगा। तो आपको यहाँ पर मिला, जैसे आपने 9 कॉमन निकाला तो सिकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए आपको मिला। अब आपको ध्यान से देखें दूसरी सर्वसमीकरण, दूसरी सर्वसमीकरण क्या दी गई आपको, सिकेंट स्क्वेयर थीटा बराबर टेन स्क्वेयर थीटा प्लस एक दिया गया है। तो अब जैसे मैं टेन स्क्वेयर थीटा को सिकेंट की तरफ लेके जग गया, तो आपको यहाँ पर टेन सिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस का होगा इस तरफ टेन स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ पर अकेला एक बच गया। तो आपको पता है कि जो सिकेंट स्क्वेयर थीटा में से अगर मैं माइनस करता हूँ टेन स्क्वेयर थीटा, तो किसके इक्वल होगा, एक के इक्वल होगा। तो वहीं पर आपको ये करना है कि 9 को 9 लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये एक के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, मैंने अब बताया कि ये सिकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए एक के बराबर होगा, और 9 एकम 9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों हल करते हैं प्रश्न नंबर 4 का भाग नंबर 2। आपको दिया गया है सीकेंट ए प्लस टेन ए की गुणा है 1 माइनस साइन ए के साथ। तो सबसे पहले देखना है कि क्या यहाँ पर मैं कोई सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करता कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ पर सर्वसमीकरण का यूज नहीं होगा। तो अगर सर्वसमीकरण का नहीं होगा तो आपको करना है साइन और कोस के फॉर्म में चेंज इनको, तो यानी जो भी दिया गया उनको साइन कोस की चेंज फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या होता है, 1 बटा cos a के इक्वल होता है, प्लस टेन, टेन होता है दोस्तों साइन ए बटा कोस ए के बराबर। ठीक है, यानी हमने इन दोनों को साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लिया, और ये पहले से हमें साइन की फॉर्म में दिया गया, इसको वैसे का वैसा रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम होगा दोस्तों, ठीक है, कोस की मल्टीप्लाई, यानी कि जब नीचे दो सेम हो तो उसको एक बार लिखे, यानी कोस का एलसीएम कोस आगा, और अब ऊपर वाले सेम वैसे के वैसे, यानी 1 प्लस साइन ए। ठीक है दोस्तों, आपको ये मिल गया। अब देखे कोस की, यानी कोस और कोस का एलसीएम कोस आ गया। अब जब कोस को कोस से भाग देंगे तो एक बचा, और एक की गुणा एक के साथ करेंगे, एक आ गया, प्लस कोस को कोस से भाग देंगे एक, और एक की गुणा साइन के साथ, तो यहाँ पर साइन आ गया, तो ये वैसे का वैसा रखेंगे, इसके नीचे एक लिख दिया।
अब यहां पर देखें मल्टी गुणा कर देंगे, दोनों के बीच में क्या है गुणा, तो कोस की एक के साथ गुणा करेंगे तो यहां पर आपको कोस थीटा कोस ए मिलेगा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि ए का स्क्वायर, तो यानी कि एक का स्क्वायर एक प्लस माइनस होगा माइनस साइन ए आपको साइन स्क्वायर ए के बराबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम कोस को कोस ए रखेंगे। अब ध्यान से देखें कि जो ए माइनस साइन स्क्वायर ए है क्या वो इस सर्व समीकरण में है। अब ध्यान से देखें, अब आपको मिला था यहाँ एक माइनस साइन स्क्वायर ए पता लगाना है, तो अब ध्यान से देखें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, अब इसको मैं उस तरफ लेके चला गया तो ये किस चीज का होगा माइनस का होगा, यानी कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है आपका कोस स्क्वायर थीटा के, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर कोस की पावर कितनी है, तो यानी कि कोस ए गुणा कोस ए और भाग में नीचे आपको मिला है एक कोस, तो कोस स्क्वायर है यानी कोस की गुणा कोस के साथ, और ये वैसे का वैसा। अब एक कोस से एक कोस से कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पर कोस ए मिलेगा, तो यानी कि भाग नंबर दो का ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा कोस ए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।